पश्चिमी एशिया में स्थित इराक आज भी एक तानाशाह के गुनाहों की सजा भुगत रहा है। वही पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन, जिसने करीब 20 साल तक इराक की जनता पर राज किया, जिसने अमेरिका की नाक में दम कर दिया, जिसे आखिरकार 2006 में फांसी पर लटका दिया गया। फांसी देने के बाद सद्दाम के शव को राजधानी बगदाद में दफनाने के लिए भेज दिया गया था, और अब खबर आ रही है कि उसकी कब्र से शव गायब हो गया है। सद्दाम की कंक्रीट की कब्र में शव के कोई अवशेष मौजूद नहीं है। अल अवजा में जहां सद्दाम को दफनाया गया था, वहां से शव गायब होने पर सद्दाम के वंशज शेख मनफ अली अल निदा ने दावा किया कि कब्र खोदकर शव को जला दिया गया। वहीं कब्र की सुरक्षा में लगे शिया पैरामिलिट्री फोर्स का दावा है कि आतंकी संगठन ISIS ने यहां अपने फाइटर तैयार किए थे, जिन पर हवाई हमले के दौरान कब्र बर्बाद हो गई। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के मुखिया जाफर अली घरावी ने जोर देते हुए कहा कि सद्दाम का शव अभी भी यहीं है। 69 साल के सद्दाम हुसैन को फांसी देने के बाद उसे शाम को दफना दिया गया था, जहां उसके जन्मदिन पर लोग जुटने लगे थे, जिसके लिए बाद में सरकार की परमिशन लेना जरूरी कर दिया गया था।